नहीं आसान है, इस बार ख्वाबों को देना अंजाम है। तैयारी पक्की हम करके आ रहे रहना संभल के आने वाला तूफान है। We are on our way, तुम जीत के दरवाजे खोल। We lift it up, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। क्वालिटी में भरपूर उत्पादन, फिर देर किस बात की। आज ही जीवा लॉजिक्स का बालाजी चना अपनाएं और निश्चित होकर कमाएं कई गुना मुनाफा। बस याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स चना। आ रहा है खेती का नया दौर, लोक्या सीड्स, जिसकी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी खेती की उपज कई गुना। हर किस्म के हाइब्रिड बीज जो किसानों को दिलाएगा बड़ा मुनाफा और उत्तम उत्पादन। जल्द ही किसानों की सेवा में उन्हें उज्जवल भविष्य दिलाने आ रहा है लोक्या हाइब्रिड सीड्स। नई उड़ान, नई टेक्नोलॉजी।
अब बढ़ेगा किसानों का मुनाफा कई गुना, क्योंकि जीवा लॉजिक्स का सोयाबीन सौरभ देता है ज्यादा से ज्यादा 4 दानों वाली फली। तो अब खेत में फसल के साथ बढ़ेगा आपका उज्जवल भविष्य भी, जहां पौधे एकदम सीधे और मजबूत शाखाओं के साथ हो जाएंगे तैयार सिर्फ 100 दिनों में। तो याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स सोयाबीन सौरभ। अब किसानों को मिलेगा मुनाफा कई गुना जीवा लॉजिक्स के पुष्ट।
कल्तूर के संग। जीवा लॉजिक्स पुष्कल्तूर 5-6 दानों वाली फलियों के साथ बनाती है फसल को कई गुना फायदेमंद। आम तूर के मुकाबले पुष्कल के पौधे होंगे शाखाओं से मजबूत और कुछ ही समय में हो जाएं पूरी तरह तैयार। तो याद रहे, किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स पुष्कल्तूर है। अब किसानों को मिला धान की खेती का समाधान, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बीच करेंगे हर मुश्किल आसान। जी हाँ, अब जीवा लॉजिक्स का दिव्य ज्योति, आशा ज्योति, सुपर सोना, कोहिनूर, जय भवानी और जैकपॉट धान बीज से आपको मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन। तो याद रहे, किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स धान। अब चने की खेती से हो किसानों की समृद्धि, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बालाजी बीज से मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन। फिर देर किस बात की, आज ही जीवा लॉजिक्स का बालाजी चना अपनाएं और निश्चित होकर कमाएं कई गुना मुनाफा। बस याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स चना। आ रहा है खेती का नया दौर, लौकिया सीड्स, जिसकी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी खेती की उपज कई गुना। हर किस्म के हाइब्रिड बीज जो किसानों को दिलाएगा बड़ा मुनाफा और उत्तम उत्पादन। जल्द ही किसानों की सेवा में उन्हें उज्जवल भविष्य दिलाने आ रहा है लौकिया हाइब्रिड सीड्स। नई उड़ान, नई टेक्नोलॉजी। करण्याचा प्रयत्न, निश्चितच यष्टीरक्षक धावबादीची संधी, फेकी मात्र यष्ट्यांवरती झाली नाहीये आणि एक धाव थोडीशी अवघड जरूर होती, ही धाव जोखीम घेतली होती परंतु कोणतेच नुकसान नाही, एक धाव प्राप्त होते आणि हवी झालाय नागपूर मेट्रो संघ गोलंदाजीमध्ये। सकाळच्या क्षेत्रामध्ये
आपल्याला पुन्हा एक वेगवान चेंडू यावेळेला मात्र बीट केलाय आपल्या गतीनिशी रवीने. रवीला आता दाखल होती अक्षय जी अब बढ़ेगा किसानों का मुनाफा कई गुना क्योंकि जीवा लॉजिक्स का सोयाबीन सौरभ देता है ज्यादा से ज्यादा 4 दानों वाली फली. तो अब खेत में फसल के साथ बढ़ेगा आपका उज्जवल भविष्य भी जहां पौधे एकदम सीधे और मजबूत शाखाओं के साथ हो जाएंगे तैयार सिर्फ 100 दिनों में. तो याद रहे किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक सोयाबीन.
का प्रयत्न, चेंडू हवे मध्ये क्षेत्ररक्षक खाली पकडला गेलाय, झेल आणि अक्षयचा ही संपलाय खेळ. सौरभ, अब किसानों को मिलेगा मुनाफा कई गुना जीवा लॉजिक्स के पुष्कल तूर के संग. जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर 5-6 दानों वाली फलियों के साथ बनाती है फसल को कई गुना फायदेमंद. आम तूर के मुकाबले पुष्कल के पौधे होंगे शाखाओं से मजबूत और कुछ ही समय में हो जाएं पूरी तरह तैयार. तो याद रहे, किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर है. अब किसानों को मिला धान की खेती का समान.
सामने नकार दिलाय एकच डाव कारंजा टीम डॉक्युमेंट्स आणि आपली फाइल घेऊन प्लीज या आठ षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आठ षटक समाप्तीनंतर आधान क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बीच करेंगे हर मुश्किल आसान। जी हाँ, अब जीवा लॉजिक्स का दिव्य ज्योति आशा ज्योति सुपर सोना कोहिनूर जय भवानी और जैकपॉट धान बीज से आपको मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन। तो याद रहे किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स धान। अब चने की खेती से होगी किसानों की समृद्धि क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बालाजी बीज से मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन। फिर देर किस बात की, आज ही जीवा लॉजिक्स का बालाजी चना अपनाएं और निश्चित होकर कमाएं कई गुना मुनाफा। बस याद रहे किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स चना। आ रहा है खेती का नया दौर लोकिया सीड्स, जिसकी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी खेती की उपज कई गुना। हर किस्म के हाइब्रिड बीज जो किसानों को दिलाएगा बड़ा मुनाफा और उत्तम उत्पादन। जल्द ही किसानों की सेवा में उन्हें उज्जवल भविष्य दिलाने आ रहा है लोकिया हाइब्रिड सीड्स। नई उड़ान, नई टेक्नोलॉजी। अब बढ़ेगा किसानों का मुनाफा कई गुना क्योंकि जीवा लॉजिक्स का सोयाबीन सौरभ देता है ज्यादा से ज्यादा चार दानों वाली फली। तो अब खेत में फसल के साथ बढ़ेगा आपका उज्जवल भविष्य भी, जहां पौधे एकदम सीधे और मजबूत शाखाओं के साथ हो जाएंगे तैयार सिर्फ 100 दिनों में। तो याद रहे किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स सोयाबीन सौरभ। अब किसानों को मिलेगा मुनाफा कई गुना जीवा लॉजिक्स के पुष्कल तूर के संग। जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर 5-6 दानों वाली फलियों के साथ बनाती है फसल को कई गुना फायदेमंद। आम तूर के मुकाबले पुष्कल के पौधे होंगे शाखाओं से मजबूत और कुछ ही समय में हो जाए पूरी तरह तैयार। तो याद रहे किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर है। अब किसानों को मिला धान की खेती का समाधान क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बीज करेंगे हर मुश्किल आसान। जी हाँ, अब जीवा लॉजिक्स का दिव्य ज्योति
करण्याचा जरूर प्रयत्न झालाय मोठा फटका खेळण्याचा. पहिला षटक चांगला पाहायला मिळाला रामचा, मात्र तीन धावा इकॉनॉमिकल षटक समाप्त झालाय. पॉवर प्लेचं षटक होतं, त्यामध्ये मात्र तीन धावा आल्यात. कारण या मैदानावरती आपण कमी धावा सुद्धा डिफेंड करू शकता, त्यावरती सुद्धा लढू शकता. गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये चेंडू खूप चांगला आहे, सरळ वेध घेतोय शरीराचा, धावबादीची संधी जरूर. हर्षलचं हे दुसरं षटकही चांगलं पाहायला मिळतंय, आतापर्यंत मात्र दोन धावा. लोअर फुल टॉस, क्षेत्रक्षक खूप चांगला, मिडॉनचा क्षेत्रक्षक इन ऍक्शन. एक धाव इकॉनॉमिकल, मात्र तीनच धावा या षटकामध्ये आतापर्यंत आल्यात. आता मात्र एक धाव बाद निश्चितच झेलबादी. आशा ज्योति, सुपर सोना, कोहिनूर, जय भवानी और जैकपॉट धान बीज से आपको मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन. तो याद रहे, किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स धान. अब चने की खेती से होगी किसानों की समृद्धि, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बालाजी बीज से मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन. फिर देर किस बात की, आज ही जीवा लॉजिक्स का बालाजी चना अपनाएं और निश्चित होकर कमाएं कई गुना मुनाफा. बस याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स चना. आ रहा है खेती का नया दौर, लोकिया सीड्स, जिसकी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी खेती की उपज कई गुना. हर किस्म के हाई
असेल तर प्लीज व्हेरिफिकेशन साठी येऊन जा. एक साइडला हलक्या हाताने खेळू काढलाय अनिलने. अनिल वरती जबाब आता जबाबदारी असेल का. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. धावसंख्या मात्र झाली धावफलकावरती 11 धावा. 50 धावा तुम्हाला करायचे आहेत. नागेशची गोलंदाजी चांगली. मात्र 2 धावा आतापर्यंत खर्च केले आहे नागेशने. आही चेंडू चांगला आहे. निश्चितच हलक्या त्याने खेळू खेळण्याचा प्रयत्न. आणि षटक समाप्त झालाय. 3 पीच जो किसानों को दिलाएगा बड़ा मुनाफा और उत्तम उत्पादन. जल्द ही किसानों की सेवा में उन्हें उज्जवल भविष्य दिलाने आ रहा है लोकिया हाइब्रिड सीड्स. नई उड़ान नई टेक्नोलॉजी. अब बढ़ेगा किसानों का मुनाफा कई गुना क्योंकि जीवा लॉजिक्स का सोयाबीन सौरभ देता है ज्यादा से ज्यादा 4 दानों वाली फली. तो अब खेत में फसल के साथ बढ़ेगा आपका उज्जवल भविष्य भी. जहां पौधे एकदम सीधे और मजबूत शाखाओं के साथ हो जाएंगे तैयार. सर्व मैदानातील सगळ्या क्रिकेट रसिकांना विनंती आहे की त्यांनी किसानों को मिलेगा मुनाफा कई गुना जीवा लॉजिक्स के पुष्कल तूर के संग. जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर 5-6 दानों वाली फलियों के साथ बनाती है फसल को कई गुना फायदेमंद. आम तूर के मुकाबले पुष्कल के पौधे होंगे शाखाओं से मजबूत और कुछ ही समय. कृपया ग्राउंड वरती पाण्याची व्यवस्था करावी. सिद्धेश्वर पाठक आपल्या स्पेलचं पहिलं षटक. स्वीप चांगलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. निश्चितच थोडस खराब आणि परिणाम येतोय सौकार. सिद्धेश्वर पाठक यांचं स्वागत केलंय चौकऱ्यांनीशी. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल कारण या चुका तुम्हाला सुधाराव्या लागतील. हो याही वेळेला फटकाय चांगलाय. स्वी बोर्ड आलाय. चेंडू एक टप्पा सीमारेषा पलीकडे. तुषार चांगला
पुन्हा एक मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न तुषारचा. बॅटाने बॉलचा तेवढा संपर्क झाला नाहीये. दोन चेंडूवरती दोन चौकार लगावल्या, त्यानंतर एक धाव घेतली आहे. थोडासा माइंडसेट बदल करून खेळतोय तुषार यावेळेला. पुन्हा एक खोलवर टप्प्यावरचा चेंडू. आता निर्धाव असेल. अनिल वरती वानोवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होतोय, कारण मागच्याही षटकामध्ये आपण बघितलं नागेटचं षटक. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते, एकच धाव त्या ठिकाणी आली आहे. में हो जाए पूरी तरह तैयार, तो याद रहे किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स पुष्कल दूर है. अब किसानों को मिला धान की खेती का समाधान, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बीच करेंगे हर मुश्किल आसान. जी हाँ, अब जीवा लॉजिक्स का दिव्य ज्योति, आशा ज्योति, सुपर सोना, कोहिनूर, जय भवानी और जैकपॉट धान बीज से आपको मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन. षटकामध्ये दबाव रिलीज केलाय. या षटकामध्ये 11 धावा ठोकल्यात. नागेश ऑन स्ट्राइक यावेळेला, अनिल असतील. अब चने की खेती से होगी किसानों की समृद्धि, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बालाजी बीज से मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन. फिर देर किस बात की मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन फिर देर किस बात की आज ही निर्धाव चेंडू. थोडासा दिशा भटकलाय, टप्पा भटकलाय यावेळेला नागेश. पुन्हा कव्हर्स मध्ये हलक्या हाताने आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये प्रयत्न जरूर झाला होता.
परिणाम एकच धाव येईल. हे षटक क्रमांक पाच मैदानावरती सुरू आहे. धावसंख्या झाली आहे 29. पुन्हा याही वेळेला षटक समाप्त झालंय. पाच षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली. जीवा लॉजिक्स का बालाजी चना अपनाए और निश्चित होकर कमाए कई गुना मुनाफा. बस याद रहे किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स चना. आ रहा है खेती का नया को जाना पड़ा वापस. अठरा चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 19 धावा. प्रत्येक चेंडू वरती तुम्हाला एक धाव करायची आहे. बॉल पर रन या ठिकाणी. हर्षल लोअर फुल टॉस कवर्स मध्ये चांगला फटका आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नाहीये. रोशनच्या बॅटमधून येतोय हा. खराब चेंडूवरती चौकार. एडवर्टाइजमेंटच्या बाहेर थांबायचंय. पंचांचा इशारा नो बॉल असेल हा सामना. तर इनॉग्रेशन प्रोग्राम साठी सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. थोड्याच वेळात मान्यवर मंडळीचा आगमन होईल. प्रणय सर, प्रणय सर. हॅलो हॅलो हॅलो. आता अमरावती टीमचे सचिन भाऊ वसू साहेब ग्राउंडवर आल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे तर त्यांना आमच्या कमिटी मार्फत आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छितो. प्रीहिटची संधी आहे. धावसंख्या झाली आहे 37. हर्षल इनसेट फलंदाज. यानंतर इनॉग्रेशन प्रोग्राम साठी सर्व खेळाडूंना विनंती की आपण मंचाच्या समोर उपस्थित राहायचंय. लगेचच मान्यवर मंडळींचं आगमन या ठिकाणी होईल आणि इनॉग्रेशन प्रोग्रामची सुरुवात होईल. आता ही खराब चेंडू. पंचांचा इशारा वाईट. अनुभवी दोन्ही पंच प्रणय सर आणि हा चेंडू चांगला आहे.
थोड़ा कवर्स मध्य ढकलने का प्रयत्न जरूर रोशन का परंतु सरळ यष्टीरक्षक हाथ मध्य नहीं डिंग्स ब्रेक मैदान वरती होणार नाही दादा पुन्हा एक चांगला चेंडू आहे षटक समाप्त झालंय छह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जाकर पहुंची है 42 42 रनों पर और लोकिया सीड्स जिसकी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी खेती की उपज कई गुना हर किस्म के हाइब्रिड बीज जो किसानों को दिलाएगा बड़ा मुनाफा और उत्तम उत्पादन जल्द ही किसानों की सेवा में उन्हें उज्जवल भविष्य दिलाने आ रहा है लोकिया हाइब्रिड सीड्स नई उड़ान नई टेक्नोलॉजी समाप्तीनंतर सर्व खेळाडूंना आपण मंचाच्या समोर उपस्थित राहायचंय लगेचच ते इनॉग्रेशन प्रोग्राम साठी तुषार या सामन्यानंतर इनॉग्रेशन प्रोग्रामची सुरुवात होईल आणि थोडा वेळ सामने प्रोग्राम निमित्त बंद राहतील आणि लगेचच प्रोग्राम संपल्यानंतर पूर्ववत सामन्याला सुरुवात होईल 12 चेंडू 8 धावा रामला बॅक केलंय पहिलं षटक रामचं आठवतंय चांगलं षटक होतं मात्र 3 धावा त्या पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या तुषार इनसाइड फलंदाज पहिल्या चेंडूवर स्टेप डाऊन करून घेण्याचा प्रयत्न 11 चेंडू 8 धावा मात्र दोन चौकार दूर आहे आपल्या विजयापासून नागपूर मेट्रो नजाकत दाखवली आहे तुषारने फ्लायस्लिपला हलक्या हाताने कट केलंय एक धाव घेतली आहे 43 धावा धाव फलकावरती जाऊन पोहोचतंय मात्र 7 धावांची आवश्यकता गोलंदाजी मारकोटी राम जे की पहिलं षटक चांगलं होतं त्यानंतर सिद्धेश्वर यांचं थोडंसं महागडं षटक पाहायला मिळालं त्यानंतर थोडासा मोमेंट शिफ्ट झाला नागपूर मेट्रो संघाकडे त्यानंतर आपल्या दिशामध्ये घालताना हा सामना पाहायला मिळतोय नागपूर मेट्रो याही वेळेला स्ट्रेट फटका चांगला आहे क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला फेकी एकच धाव चौवेचाळीस धावा 44 तुषार पहिल्या षटकापासून खेळी करतोय आपल्या संघासाठी सलामीचा हा फलंदाज नजाकत खूप चांगली आहे हलक्या हाताने ढकलू दिला कवर्स मध्ये दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दोन धावा सुद्धा प्राप्त करेल 46 धावा धाव फलकावरती मात्र 4 धावा दूर आपल्या विजयापासून नागपूर मेट्रो हा सामना संपल्यानंतर सर्व खेळाडूंनी मंचाच्या समोर उपस्थित राहायचंय लगेचच इनॉग्रेशन प्रोग्रामला सुरुवात होईल एक धाव धाव संख्या झाली आहे 47 3 धावांची आवश्यकता
चांगला चेंडू आहे रामचा. षटक समाप्त झालाय, सात षटक समाप्तीनंतर सात ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जाकर पहुंची है 47. तीन धावांची आवश्यकता, सहा चेंडू, तीन धाव. अब बढ़ेगा किसानों का मुनाफा कई गुना, क्योंकि जीवा लॉजिक्स का सोयाबीन सौरभ देता है ज्यादा से ज्यादा चार दानों वाली फली. तो अब खेत में फसल के साथ बढ़ेगा आपका उज्जवल भविष्य भी, जहां पौधे एकदम सीधे और मजबूत शाखाओं के साथ हो जाएंगे तैयार सिर्फ 100 दिनों में. तो याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक सोयाबीन सौरभ. अब किसानों को मिलेगा मुनाफा कई गुना जीवा लॉजिक्स के पुष्कल तूर के संग. जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर 5-6 दानों वाली फलियों के साथ बनाती है फसल को कई गुना फायदेमंद. आम तूर के मुकाबले पुष्कल के पौधे होंगे शाखाओं से मजबूत और कुछ ही समय में हो जाए पूरी तरह तैयार. तो याद रहे, किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स पुष्कल तूर है. अब किसानों को मिला धान की खेती का समाधान, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बीज करेंगे हर मुश्किल आसान. जी हाँ, अब जीवा लॉजिक्स का दिव्य ज्योति, आशा ज्योति, सुपर सोना, कोहिनूर, जय भवानी और जैकपॉट धान बीज से आपको मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन. तो याद रहे, किसानों की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स. चौकार, सामना जिंकलाय. ग्राउंड च्या बाहेर प्लीज, ग्राउंड च्या बाहेर. अब चने की खेती से होगी किसानों की समृद्धि, क्योंकि जीवा लॉजिक्स के बालाजी बीज से मिलेगी उत्तम क्वालिटी में भरपूर उत्पादन. फिर देर किस बात की, आज ही जीवा लॉजिक्स का बालाजी चना अपनाएं और निश्चित होकर कमाएं कई गुना मुनाफा. बस याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स चना. आ रहा है खेती का नया दौर, लोक्या सीड्स, जिसकी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी खेती की उपज कई गुना. हर किस्म के हाइब्रिड बीज जो किसानों को दिलाएगा बड़ा मुनाफा और उत्तम उत्पादन. जल्द ही किसानों की सेवा में उन्हें उज्जवल भविष्य दिलाने आ रहा है लोक्या हाइब्रिड सीड्स. नई उड़ान, नई टेक्नोलॉजी. अब बढ़ेगा किसानों का मुनाफा कई गुना, क्योंकि जीवा लॉजिक्स का सोयाबीन सौरभ देता है ज्यादा से ज्यादा चार दानों वाली फली. तो अब खेत में फसल के साथ बढ़ेगा आपका उज्जवल भविष्य भी, जहां पौधे एकदम सीधे और मजबूत शाखाओं के साथ हो जाएंगे तैयार सिर्फ 100 दिनों में. तो याद रहे, किसान की उन्नति का रास्ता यानी जीवा लॉजिक्स सोयाबीन सौरभ. अब किसानों को मिलेगा मुनाफा.
सगळे पवेलियन मधून सगळे प्लेयर प्लीज मंचासमोर येतील, प्लीज सगळे प्लेयर मंचासमोर या।